नमस्कार मित्रों, आज मैं उज्जैन के मुख्य पर्यटन स्थलों के बारे में आपसे जानकारी साझा करने वाला हूँ। आप जानते हैं कि आजकल उज्जैन महाकाल लोक के निर्माण के बाद से, अवलोकन के बाद से बहुत चर्चित बन गया है, बहुत हॉट स्पॉट बन गया है। यहाँ बहुत सारे दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे हैं और अक्सर यहाँ जाम भी लगा रहता है इसी कारण से। खैर, उज्जैन आप जानते ही हैं, मुख्य रेल मार्ग और सड़क परिवहन और वायु क्षेत्र से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक एक करके मैं आपसे जानकारी साझा करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे रामघाट की। रामघाट हर 12 साल में यहाँ पर जो कुंभ का मेला लगता है वो ये मुख्य क्षेत्र होता है। रामघाट में शाही स्नान होता है। आप जब भी दर्शन करने आए तो यहाँ पर स्नान जरूर करें, बहुत सेफ़ है। और यहाँ पानी बारिश में ज़रूर शुद्ध मिलता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ी सी पानी की यहाँ कमी रहती है, पर आप कम से कम जल का छिटकाव आचमन कर सकते हैं। इसके पास में स्थित है गोपाल मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। महाकाल मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जब भी आप यहाँ आएँ तो आप यहाँ देखें इसके जो एंट्रेंस है उसके गेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो ज़रूर पढ़िएगा। दूसरा क्षेत्र बात कर रहे हैं काल भैरव भगवान का। ये वही मंदिर है जहाँ मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जी हाँ मित्रों, और उसी का प्रसाद फिर आप सबको भी मिलता है। तो काल भैरव मंदिर भी ज़रूर आए। और ये मंदिर मंगलनाथ क्षेत्र में स्थित है और बहुत सिद्ध स्थान है। और इसके अलावा अंग्रेजों ने भी खुदाई करी लेकिन उनको कुछ मिला नहीं और वो भी इस रहस्य को मान कर गए। इसके बाद इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर तो देश दुनिया में हर जगह दिखते हैं। ये मंदिर भी उसी तरह से भव्य बना हुआ है, पूरा वाइट कलर का मंदिर है। इस पर रात को लाइट सज्जा की जाती है। आसपास बहुत सुंदर बगीचा है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ दर्शन करेंगे, आरती होती है शाम के वक्त, उसमें नृत्य की प्रस्तुति होती है, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। भजन कीर्तन में आप शामिल हो सकते हैं। आपका मन मोह लेने वाला वातावरण वहाँ पर बन जाता है। और आपको टूरिस्ट जो आते हैं वो यहाँ कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा रुकते हैं। तो आप जब भी आएँ कोशिश करें यहाँ शाम को ही आएँ। फिर है गढ़कालिका माता मंदिर। मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने गढ़कालिका माता मंदिर के बारे में पूरी जानकारी साझा करी है, आप वो देख सकते हैं। ये मंदिर भी मंगलनाथ क्षेत्र के पास में ही स्थित है। आप जब भी यहाँ दर्शन करने आएँ तो यहाँ पर जरूर आएँ और दर्शन करें, यहाँ के दर्शन लाभ लें, क्योंकि ये भी बहुत सिद्ध स्थान है। हालांकि 51 शक्तिपीठ में नहीं है, हर सिद्धि माता मंदिर 51 शक्तिपीठ जो देवी के होते हैं उसमें ये मंदिर शामिल है। बहुत सिद्ध स्थान है। महाकाल मंदिर के जस्ट बैक साइड का जो एरिया है, मुश्किल से 300 से 400 मीटर जब आप पीछे की तरफ जाते हैं तो आपको ये मंदिर दिखता है और आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। बाहर दो बड़े बड़े पिलर्स हैं जिसमें अखंड ज्योत भी जलती है। नवरात्रि के वक्त में हज़ारों दिए लगे हुए हैं एक एक पिलर पे, और बहुत सुंदर लाइट की सज्जा भी की जाती है। जब भी त्यौहार आते हैं, ख़ास तौर से नवरात्रे आते हैं, तब यहाँ बहुत सुंदर डेकोरेशन किया जाता है और मंदिर में लोगों की लाइन लगती है दर्शनार्थियों की। तो इस तरह के बहुत सारे मंदिर हैं जो बहुत फेमस हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ चिंतामण गणेश मंदिर, गणेश जी का मंदिर है। इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पेजेस पे सर्च करके। इस मंदिर में गणेश जी 3 रूपों में विद्यमान हैं और ये उज्जैन से 8 किलोमीटर दूर। आप जब भी आएँ तो आपको टैक्सी करनी पड़ेगी इस मंदिर के लिए आने के लिए, या ऑटो से आप आ सकते हैं या अपने कन्वेंस से आ सकते हैं। गणेश जी का मंदिर है, बहुत चमत्कारिक मंदिर भी बोला जाता है। यहाँ पर बिना मुहूर्त की शादियां भी होती हैं, पाती लिखवाने आते हैं लोग, मतलब शादी की डेट लेने आते हैं। अगर मुहूर्त नहीं हो तो भी यहां से आपको जो डेट मिलती है वो बहुत शुभ मानी जाती है। मित्रों आप जानते हैं उज्जैन कृष्ण भगवान की शिक्षा स्थली रहा है, महर्षि सांदीपनि आश्रम है ये। और यहाँ अभी भी वैसा ही माहौल है, बावड़ी है, पेड़ है, चबूतरा बना हुआ है, आपको ऐसा फील होता है। आई डोंट नो कि ये उस टाइम का है कि नहीं, लेकिन जब कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले पढ़ाई करी थी, लेकिन अभी भी आप जब यहाँ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गुरुकुल में आप आ गए हो और आपकी भी शायद इच्छा होगी पढ़ने की। यहाँ पर ये मंगलनाथ क्षेत्र में स्थित है। आप मंगलनाथ मंदिर जाएंगे या भरतरी गुफा जाएंगे तो आपको ये मंदिर पास में ही मिल जाएगा। फिर है नवग्रह मंदिर। जब आप उज्जैन से अगर आप इंदौर की तरफ जा रहे हैं तो ये मंदिर रास्ते में आता है, मतलब है ये उज्जैन में ही।
त्रिवेणी नाम से इसलिए इसको बोला जाता है कि तीन नदियों का संगम है। नवग्रह मंदिर मतलब टोटल 9 ग्रह जो माने जाते हैं शनि भगवान को मिला के उनके मंदिर हैं। ये भी सिद्ध स्थान है, आप यहाँ आएँ और अपने ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिवेणी भी है तो आपके दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, आपको दोनों मंदिर एक साथ मिल जाएंगे। त्रिवेणी का जो संगम स्थल है वो भी आप दर्शन कर लेंगे और साथ में आप नवग्रह मंदिर भी दर्शन कर सकते हैं। राम जनार्दन मंदिर है, ये भी बहुत पुराना मंदिर है, आपको चित्र देखकर ही समझ आ रहा होगा। यहाँ पर भी अक्सर बहुत सारी पूजा होती हैं, जैसे काल सर्प योग की पूजा यहाँ पर होती है, इसके बाद सिद्धवट पे जाया जाता है। तो शुरुआत की पूजा जनरली लोग यहाँ कराते हैं जिनको जानकारी है। और ये मंदिर के वहाँ बावड़ी भी बनी हुई है, वो बावड़ी आपको यकीन नहीं होगा कि उस टाइम पर इतने अच्छे आर्किटेक्ट थे। भरथरी गुफा, ये भी मंगलनाथ क्षेत्र में स्थित है, राम जनार्दन मंदिर भी मंगलनाथ क्षेत्र में है। और भरथरी गुफा में गुफाएं बनी हुई हैं और आप अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ा डर भी लगेगा, लेकिन अंदर मंदिर है, बहुत साफ़ सुथरी जगह है, सेफ़ है, आप जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक पंजे का हाथ का निशान भी देखने को मिलेगा, जो वास्तव में काबिले तारीफ़ है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे देख कर। और हमारा मुख्य मंदिर मतलब महाकाल मंदिर, जय श्री महाकाल आप सबको। और महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मंदिर है और यहाँ की भी मान्यता है, आप जानते हैं कि महाकाल मंदिर के पास में ही महाकाल लोक भी बना हुआ है, जिसका अभी कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया था, लोकार्पण किया था। वहाँ भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पर रात के वक्त जाएं क्योंकि धूप में आप महाकाल लोक में दर्शन करने जाएंगे तो आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ मूर्तियाँ बड़ी बड़ी देखने को मिलेंगी। लेकिन आप रात को जाते हैं तो जो वहाँ पर गोल्डन कलर की लाइट लगी है वो आपको देखते ही आनंद आ जाएगा, आपका मन प्रफुल्लित होता हो जाएगा। तो आप जब भी उज्जैन आए तो आप 4 से 5 दिन निकाल के आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तो कम से कम निकालें, जिससे कि आप इन सब जगह पे दर्शन कर सकें। लोग भस्म आरती का पूछते हैं, तो भस्म आरती के लिए गूगल पर आप सर्च करिए, टाइम टाइम पर इसकी प्रोसेस चेंज होती रहती है, नियम बदलते रहते हैं। आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि महाकाल मंदिर की वेबसाइट पर चेक करें, उसमें आपको भस्म आरती का अलॉटमेंट मिल जाएगा, स्लॉट मिल जाएगा, वो आप बुक करा लें और आपकी सुविधा के अनुसार दर्शन करने आए। तो मित्रों, आप जब भी उज्जैन आए तो प्रेफर करें 3 दिन रुकें, टैक्सी कर लें, जिससे कि ये 3 दिन में सारा क्षेत्र कवर हो सके। और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो एटलीस्ट किसी ऑथराइज्ड गाइड को ले लें, जिससे कि वो आपको सही गाइड कर सके और कम समय में आपको सारी जगहों के दर्शन करा दे। ये मैंने मात्र 12 जगह बताई हैं, ऐसे शायद 10 और होंगी। धन्यवाद।